भाई साहब, ये क्या पूरे गांव के लिए बनाया जा रहा है? गांव के लिए नहीं, हमारे घर में इतने लोग हैं आजकल की ऐसे लगता है कि गांव ही बस रहा है। ये आज मम्मी ने बनाया डे स्नैक सैलेड, इनका अपना स्टाइल है कोई। क्या हम देख सकते हैं इसमें क्या क्या है? ये खीरे घर के हैं, सब कुछ घर का है, नाश्ता भी घर के, जो सब घर में कटा है बाकी। और मूंगफली भी घर की है, हमने अभी उगा के अभी खाई है यहाँ पे। ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। और ये भी हमने घर में बनाए हैं, मिट्टी छान के। माय गॉड, जैसे वीडियो अनार और अनार गिर गए इसमें। पहले कभी थी हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, बोलना भूल गई थी मैं। बट चलिए मम्मी मूंगफली डालिए, पहले छान ठीक है। हाँ। मेरे क्रेच के बच्चे रो रहे हैं, उनके साथ है बार। एक मेरा वहां क्रेच का बच्चा कैसे बिठाया मैंने ताकि नीचे ना गिरे। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मामा। यार ये तो अभी बहुत गर्म है, डालने के लिए कोई थोड़ी देर रुकते हैं, वैसे भी किसी जितना नहीं, क्योंकि आज सुबह हमने खाए थे मूली के पराठे। बहुत ही शौक है इतने प्यार और तसल्ली से खिलाती है कि खाने का मजा आ जाते हैं। जहाँ हमने दो परांठे खाने होते तीन खा जाते हैं। आज नैनू कह रही सुबह अप्पू जी बैठे हुए मेरे साथ, तो नैनू कह रही कि अप्पू जी जो ऐसे हमारे 10 किलो बड़े थे वहाँ पे, इसके तो क्या अप्पू जी यहाँ टेबल पे बैठे रहना। अप्पू जी कहते हैं अच्छा बना है पर मैं और नहीं खा पाऊंगा। रोहिणी कहती अरे खा लो एक और पीछे ताज़ा खाना चाहिए। एक तो टाइम से नहीं आते ना, मेरे को उससे बड़ा गुस्सा जाता है। ताज़ा खाओ, जैसी बन रहा है वैसी खाओ, तभी सबसे ज्यादा स्वाद आता है, बाद में नहीं आता। तो आई लाइक टू सर्व वेरी फ्रेश फूड, लाइक दिस इज कोल्ड प्रिपरेशन, सो इट इज गोइंग टू कोल्ड, ओके नॉट हॉट। तो मम्मी मूंगफली कहाँ लेके चले गए? वो छिलके निकालने के लिए। तो अब इसको भी बाहर ले चलते, फिर बाहर ही सर्व कर लेंगे और खा लेंगे फिर। आज अप्पू जी जो ये फर्स्ट कस्टमर, सुबह परांठे के भी फर्स्ट ये थे। देखो वैसे तो चाट वैसे ही कितना यम्मी लग रहा है, लेकिन ऊपर से लगी थी करारी करारी मूंगफली का तड़का। छिलके साफ हो जाने चाहिए। रोहिणी ज्यादा मत बोल, मम्मी करछी से ही मारेंगे तुझे। आई नो, इसलिए दूर से घूम रही हूँ, छिलके नहीं होने चाहिए थे। अब देखो अब फिर कर लेते लोगों के। यार इसमें थोड़ा ऊपर से सेव डालना, कितना अच्छा लगेगा। डाला वैसे मैंने, नहीं सेव तो नहीं डाली थी, नाश्ता दिए सेव। अच्छा सेव, मुझे तो सेव तो डाला। वेदा को देखो कितना सीरियस होके देख रही है। इसको इतना स्वाद आता है ना मम्मी, कितने लोग हैं? तो आप गिनो कितनी सारी कटोरियां लगा रखी है, 6 नहीं 7 8 8 हमारे घर के सामने इतने सुंदर सुंदर पहाड़ है, कभी हम ड्रोन से देखते हैं या फिर कभी अप्पू जी जो इस दूरबीन का क्या नाम है, स्पॉटिंग स्कोप से देखते हैं कि कुछ तो दिख जाए। बचपन में वो कैमरा नहीं तुम्हें जो हरिद्वार में मिलता है, क्लिक करो उसमें सीनरी आती थी। बस लेफ्ट आंख से दूसरा दिखेगा, राइट से अलग दिखेगा। हट जरा हमें भी देखने दे। देख पाएगी? हाँ देख। अप्पू जी जू कैसे देखना है? यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, लेकिन वो सामने झरना है जिसके मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाऊंगी कि वो झरना कहाँ है, क्योंकि रजत ने लिया है वो। कब देगा ये नहीं पता मुझे। दे रहा हूँ। या झरने के शॉट्स यहाँ से दिखाऊंगी मैं आपको, ये वाला झरना। दादी आपकी पोती कनाडा से आई, इसलिए इसको पता ही नहीं है कितना देना है। आप स्वस्थ रहे दादी जी। मेरी पोती इतने दिन काम तो 3 दिन में नहीं खाएंगे, खाती है नहीं इतना बहुत सारा। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर ब्यूटीफुल डे। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है अगेन तैयार होके। आज हम जाने वाले हैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ,
छोटे मोटे सामान के लिए, और क्योंकि मैं कल कहीं निकलने वाली हूँ, कहाँ निकलने वाली हूँ वो मैं आपको कल ही बताऊँगी, आज नहीं बताऊँगी। और फिलहाल के लिए अभी चलते क्योंकि लेट हो चुके और रजत मुझे देख रहा है पीछे से। ऐसे ही ना मुझे तुम देखो, मैं जल्दी वाओ कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं, थैंक यू। हम अपनी तारीफ खुद ही कोई करता नहीं, इसलिए हम खुद अपनी तारीफ ही करते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए तो हम निकल रहे हैं बस। अब मैं अपने बालों की डेंटिंग पेंट नहीं करूंगी तो आप बता नहीं पाओगे मैं 15 साल की हूँ या 25 की, और मैं मैं 11 या फिर 26 तो फिलहाल ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे दिखाएंगे जो की स्पॉन्सर्ड बाय ज्योतिका दिलेख है। So, this is my outfit of the day. Thank you. आप सभी ने पहले बोल देना कि मैं पतली लग रही हूँ, तो thank you so much. और खूबसूरत भी खूबसूरत आप हमेशा कहते मैं लग रही हूँ, और आप लोगों को मेरा ये लुक बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं मांग बिंदी और मंगलसूत्र पहनती लगता तो मुझे भी बहुत अच्छा है, बट इसमें काम और टाइम बहुत ज्यादा है। अब आप कहो कि 5 मिनट का काम होता है, नहीं दीदी वो ही धो ले, हम उसमें खुश है। नहा भी ले, आजकल मैं 3-3 फेस वॉश से धो रही क्योंकि यहाँ गाँव आके मेरा रंग पक्का हो गया है ऐसा मुझे लग रहा है। सुन इधर आ जाओ, इधर छत पे हाथ जल्दी आते हैं, कुछ देरी है दीदी ऊपर वहां से नहीं बेटे, ये वाला यहाँ पे आया, यहाँ पे अभी तक तो था, यहाँ पे अभी दोबारा आ जा। वाइड एंगल में ऐसा लग रहा है बहुत ही नीचे है, बट इतना है नहीं। देखो इसकी टांगे पहुंच गई। तो ये है हमारा प्यारा अमित जो अपने में खेलने में व्यस्त होता है, इसके जिंदगी भी मेरी तरह है, अकेले खेलते रहो। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसको कुछ ऐसा दूं जो अकेलेपन में इसका साहित्यकार बने, जो कि लाए थे यही लोग हैं। और इस अमित के लिए हम लाए हैं बॉब द बिल्डर, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनेगा है अमित, बनेगा तो गाड़ी कैसी लग रही है, अच्छी कैच कर फिर कैच कर, अरे वाह वाह वाह। अब पत्थर के साथ खेलियो ठीक है, इसमें आगे मिट्टी भी आ जाएगी, पत्थर और मिट्टी दोनों आएगा। अच्छा लगा, चल ठीक है, अब मेरे को तो थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू क्या बोलते हैं, खुश हो गए मेरा छोटा सा, वेलकम, बहुत चारा बच्चा है। चलो अब आप खेलो इसके साथ, शाम को मैं भी आऊंगी फिर खेलने, ठीक है दोनों खेलेंगे साथ में। भागा भागा ना कर दिया इसने, गाड़ी चलती नहीं लाइफ में मेरी, बट चलो कोई नहीं, फिलहाल निकलते जितने भी लोग हमको यहाँ छोड़ते, पर नहीं छोड़ सकते क्योंकि गाड़ी तो रजत ने चलानी, हम बहुत होशियार फीमेल्स हैं। चलो चलो मतलब मेरा यूज हो रहा है सिर्फ, यूज तो ठीक है मिस यूज हो रहा है इस टाइम पे, तुम्हें शायद पता नहीं चल रहा। चलो तुम्हें स्क्रीन में आने की कोई जरूरत नहीं। ओए मुझे आवाजें दी बाय, मैं तो भागी, मैं तो इसका इतना गंदा हेयर स्टाइल किया है आज, सबसे पहले हम उसको बदलेंगे। बेटो इधर देखो, हाय मेरा छुनन काका, और पापा के साथ ही जाना चाहती है वापस, मम्मा के साथ नहीं आना, इसने मुझे देखा अभी तक, घूम घूम ही जाएंगे, घुमाए इसको जरा अपनी तरफ, नाना के साथ आएगा, नाना के साथ, बाय बाय कर दो नाना को, बोलो नो बाय, नो बाय, नैनू बोलती है इसके बाल बहुत लंबे हो गए, इससे संभाले नहीं जा रहे थे तो मैंने गुद कर दी, मैंने कहा वाओ, चलो ठीक है अब ये गाड़ी चलाएगी। This is called nature and खाई all at once. आप क्या एक्सपीरियंस करना है, खाई या नेचर, नेचर आगे ना, मैंने आगे है? कितना अच्छा लग रहा है, ओके मैम, वैसे तो ऐसे लग रहा है राज की पिक मूवी का सीन है। बट एकदम परफेक्ट लोकेशन है पिकनिक के लिए, और लोगों ने करी भी है यहाँ पे, और गाय ने भी की, लोगों ने भी पिकनिक की। द ओनली थिंग विच आई हेट द मोस्ट इज देखो आसपास कितना सुंदर है ना, कितना अच्छा, कितना हरा भरा है, फॉगी से ज्यादा नहीं दिख रहा है, और साथ में देखो ह्यूमन बिहेवियर सो सैड, मतलब इतनी अच्छी जगह, कितनी खूबसूरत और एकदम वो रह सकती है, लेकिन सोच रही एक्सप्लोर भी किसी की होगी। यहाँ पे आ गया, नीचे देख के आइए बस, यही तो वो पत्थर है जहाँ तुमने वो रील बनाई थी। यस, मैं बहुत गुणवान हूँ। बताया
अरे हमने बाई चांस रुके थे, जैसे कि आपको आज लगा कि बाई चांस रुके का बच्चा लेके आ गई अपने साथ। हाँ। हाँ। कुछ एडवेंचरस माँ है। मुझे पहले लगा कि हम कोइंसिडेंटली रुके हैं यहाँ पे क्योंकि बच्चों का दूध बनाना था, बच्चे रो रहे थे, बट नहीं, ये तो नैना रजत को ऑलरेडी पता थी लोकेशन। यहाँ पे इन्होंने अपनी रील बनाई थी, बहुत ही सुंदर जगह है ये। और यहाँ पे सिर्फ क्या है, थोड़ा सा ऐसा फ्लैट पैच है और बहुत बड़े बड़े पत्थर है जैसे दिख रहे होंगे, सारे नीचे से ऊपर तक ऐसे ही बड़े बड़े पत्थर है। और साथ में ऑफकोर्स जो लोग यहाँ पे पार्टी आके करके गए उन लोगों का गन भी है। बट नेचर इज एट इट्स बेस्ट, बहुत ही सुंदर जगह है ये। चलो फिलहाल वापस चलते, हॉर्न मार रहे हो, मेरे ख्याल से निकलना होगा हमने यहाँ से क्योंकि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तो मंदिर है। अगर वहाँ पे हम पहुँच पाए, अगर मौसम खराब होगा तो शायद ना भी जाए, लेट्स सी जो भी होता है। एक लड़का हमारे पास बहुत ही उदास और परेशान है, और यहाँ सिग्नल मांग रहे ड्राइवर तो मैंने भी बदलने अपने बच्चे। हमने पहली बार जब आई नो, बहुत सुंदर है ये, मैंने बता दिया। और मुझे लगा हम कोइंसिडेंटली रुके यहाँ, पर तुम तो चलाक निकले। यहाँ से गांव दिखता पूरा, देख लो हमारा गांव, वो सब देख लो हमारा गांव। तो क्या बोलना आपको, बहुत देर से बोल रहे हो, वीडियो ऑन कर, वीडियो ऑन कर। आई नो वो क्या हुआ, काफी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे जिनके मतलब पिछले वाली वीडियो में कमेंट आया जो मैंने तीज का दिखाया था। आपने कहा था कि छोटी बहन को बांधते हैं, रूबीना के साथ आपने धोखा कर लिया। और कब आया था कमेंट तीज वाले में? हाँ, जो मैंने अभी तीज हरियाली तीज का डाला है वीडियो की, मैंने फास्ट रखा था और मैंने नैनो को साड़ी कह रही सूट दिया था गिफ्ट, और रूबी को कुछ नहीं दिया। और फिर मेरी सास माम ने कहा कि बड़ों को देते हैं अपने सास ससुर वगैरह को, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इट्स जस्ट कि फुल सेंटेंस नहीं हमने दिया था। अगर अपने ससुराल में हो तो आप अपने बड़ों को देते हैं, अगर आप अपने मायके में हो तो आप अपने छोटे को देते हैं। सो दैट इज ऑल, आई होप ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर आउट हो चुकी है। आज का ऐसे दिन हमारा बहुत बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत सारी कुछ रिस्की चीज़ें भी है। रिस्की चीज़ों के लिए आप देखना ज्योतिका एंड रजत व्लॉग, और एंटरटेनिंग के लिए देखना मतलब रिस्की है नहीं, मतलब क्या क्या हुआ, मतलब काफ़ी सारी एडवेंचरस चीज़ें भी और काफ़ी सारी मतलब आज क्या कहते हैं आपका ज्ञान नहीं, ज्ञान तो नहीं, क्या हुआ आज हमारे साथ जिससे क्या होएगा जर्नल अवेयरनेस आज, मतलब दो डिजास्टर्स होने से बहुत बाल बाल बचे हम, क्या और कैसे वो रूबी और ज्योतिका के लेक्चर्स में आप देख सकते हो। मिट बारा मम्मी पापा कहाँ है, लाइट है तुम्हारे घर में, सो तो नहीं गए, आओ बस अभी कुछ गिफ्ट देने के लिए आई हूँ मैं, लेट बहुत हो गया, अंधेरा हो गया। कितने साल की देखा तू, देख दे रहे इसमें क्या है। जाने से पहले अपनी फ्रेंड को बाय बाय करने आए। बहुत ही छोटा है, छोटे वाला कपड़े कैसे कपड़े, इसका पजामा भी शरारा है, ये दुपट्टा है, रेखा आया पसंद अपने भाइयों को बुला रहा, आप अपने बच्चों को भेजो जरा बात, दो बेटे आती थे, तीसरा क्या है, वो तीसरा सबसे बड़ा, ये लो चार, ये लो उसके लिए, रेखा किसकी है, रेखा मेरी, अच्छा मेरे ख्याल से फिर छोटे वाले के लिए तो बड़े होने हैं कपड़े, हाँ मेरे को लगा तीन लड़के एक लड़की है, बस वैसे आपके बच्चे रोज देखती हूँ मैं, हमारे के लिए हमारे लिए ऐसे छोटे छोटे बच्चे है ना, रोज का बच्चे करते हैं तो मन करता है कुछ लेने के लिए, इससे प्यारे प्यारे बच्चे, चलो ठीक है ठीक है जी, बड़े है मेरे ख्याल से फिर तो कपड़े, मेरे को लगा चार पाँच साल के होने ये कोई नहीं, छोटे नहीं होने चाहिए, बड़े चलेगा, देखती थी तू ये बताओ मुझे अरे सबसे छोटे वाले तो मैंने देखा ही कभी नहीं, बाय ये मेरे ख्याल से नहीं रहता, ये साल का हुआ अभी, बाय शुभम, ऐसे करो बाय, लियो चल लियो लियो भाई जी घर, चलो आ जाओ आ जाएगा, चलो अभी अमित भी है मेरे पास, बाय बाय रेखा, बाय रेखा, हाँ जी लगाओ रोजी को आवाज, आ जा मेरे इधर, अच्छा ये बच्चों के लिए बनाया आपने, तभी तो दादी पूरे दिन गायब थे, बनानी भी भर दी है, सही बताओ
खुश हो गए दादी बच्चे अपने गिफ्ट देख के। ये तो आपने बड़ा कमाल कर दिया, लेकिन आपने बनाए तो बड़े सुंदर और मैं भी यकीन नहीं आ रहा। दादी सुनो, देख रहे हैं लोग, बता दो कितने की बेचोगे? एक ऑर्डर आएंगे, एक बचेगा, एक बेचूंगी कितने का खुद ही पता लगेगा लोगों को। 85,000 में क्या क्या है ना, किसी ने एक डिजाइनर शिप पूरे दे रखे दादी ने। 5,000 का बोल दो दादी, 5,000 का। और ऐसे बोलो डीएम और ऑर्डर्स बोलो, बोलो दादी तभी ऑर्डर आएंगे। बोलो डीएम फॉर ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑन ऑन माई इंस्टाग्राम दादी का सच में इंस्टाग्राम। अरे वो मतलब दादी खुद नहीं चलाते, ऐसी बना लिया है पर बच्चे चला रहे हो। मैं सोचू दादी का मन तो लगता नहीं है बच्चों के बिना। इसको गर्मी लग रही है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, पूरे परफेक्ट कितना सुंदर है, कितने सुंदर है, ब्यूटीफुल। देखो शूज भी है और डक शू भी है, इनको डक शू बोलते हैं ऐसे। शूज भी और सॉक्स भी है, बेली भी और बेली। वो भैया कह रहे कि वीडियो लो इनकी और दीदी को दिखाना कि देखो वही कपड़ा पहना है, बड़ा सुंदर लग रहा है। क्या नाम है तेरा? कार्तिक। दांत कहाँ गया? फेंक दिया। बड़ा सुंदर लग रहा है, तू कहाँ गया था? कहाँ? पार्टी में। वो देखो उधर उसने पहना है। वेरी गुड, बाय बाय बाय।